अब वेट कैसे कम करें? हम आपको बहुत सरल सिंपल इजी रास्ता बताते हैं वेट करने का, जो आपकी समझ में आ जाए। जो भोजन से आपका वेट बढ़ रहा है उस भोजन को खाना बंद कर दें, और जिस भोजन से वेट घटता है उसको खाना शुरू कर दें। इतनी सी बात है लेकिन हमारी समझ में नहीं आएगी, हम लोग वेट बढ़ा लेते हैं अपना। अब आपको यह जानना है कि कौन सा भोजन वेट बढ़ाता है और कौन सा भोजन कम करता है, अब ये जानने की जरूरत है। सबसे पहले ये जान लो कि जो चीज मेरे को नुकसान देती है उसको मत खाओ। जो वेट बढ़ाता है आपका अनाज आपका वेट बढ़ाता है, ठीक है? कोई भी प्रकार का आप अनाज खाएंगे उससे वेट बढ़ेगा, आपका वेट कम नहीं हो अनाज खाते रहे। दूसरा दालें, दूध, दूध से बनी हुई सारी चीजें, चिकनाई वगैरह, दही, लस्सी, मिठाइयाँ सारी, जितना मीठा है, चाय, ब्रेड, बिस्कुट, जितना भी जंक फूड है, ये सारा वेट आपका बढ़ाता है। इन सब चीजों को खाना आप बंद कर दें। आप लोगों को सेहत कमानी है तो सेहत कितने की है, कीमती है ना, तो अगर कीमती है तो मेहनत भी तो कुछ करनी पड़ेगी ना, उसकी कीमत भी तो देनी पड़ेगी। सेहत मुफ्त में मिल जाए हमारे को, डॉक्टर की 1000 रुपया फीस दे करके गोली खा के हम चाहते हैं सेहत मिल जाए, इतनी सस्ती नहीं है, मिल जाए इतनी सस्ती नहीं है। इसको मन से लग करके तपस्या करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा, तब जा करके ये मिलेगी। और ये नहीं है कि खाली सेहत ही मिलेगी, और आपका मन भी शांत होगा साथ में, और मन प्रभु की ओर लगे, आपका जीवन का ही उद्धार हो जाएगा साथ में। इसलिए अनाज, दालें, दूध, दूध से बनी हुई चीजें, जिनका भी वेट ज्यादा है वो टोटली ये सारी चीजें बंद कर दे। अब कहेंगे खाएं क्या, वो नीम गलोय का जो काढ़ा है उसको उबाल करके उसको उसमें एक नींबू डालिए, उबाल के गिलास में डालिए, उसके ऊपर एक नींबू निचोड़ लीजिए, पूरा नींबू, उस नींबू को आप पी लीजिएगा, वो आपकी चर्बी को कम करेगा, गड़ाएगा, कम कर देगा दिन फोर दिन, उसको पी लीजिएगा। उसके बाद थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए अगर आपसे होती है, नहीं एक्सरसाइज होती कोई नहीं, थोड़े हाथ पाँव डाले जितना हो जाए उतना करो, जबरदस्ती कुछ नहीं करनी शरीर के साथ। उसके बाद में आपको जब भूख लगे, ये नियम है, बिना भूख के कुछ नहीं खाना, चाहे सारा दिन भूख ना लगे, ठीक है? जब हम लोग को भूख नहीं लगती है तो शरीर जो अंदर में चर्बी है, फालतू कूड़ पा, उसको खाता है, उसको खा के मल द्वार से बाहर निकाल देगा, तो वजन आपका वैसे कम हो जाए। अगर आप बिना भूख के खाते रहते हैं, भूख नहीं लगी है, तो अंदर में वो चर्बी और बढ़ती चली जाएगी, कम नहीं होगा, वेट आपका बढ़ता चला जाएगा। आप कहें जी नाश्ते का टाइम हो गया, खा लूं मैं कुछ ना कुछ, शायद मैं कमजोर ना हो जाऊं, ये धारणा मन में रहती, ऐसा कुछ नहीं है। क्या आप लोग ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा तकड़े हो जाएंगे, या कम खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जनिए ज्यादा खाने से बल्कि ज्यादा बीमार हो रहे हैं लोग, और नॉर्मल खाने से लोग स्वस्थ हो रहे हैं। आप देखना जैसे मैंने बताया वैसे खाना पीना कीजिए, आप कहेंगे मैं पहले से एनर्जेटिक भी हो गई हूँ, वेट भी आपका कम हो गया, और शुगर भी गई, ब्लड प्रेशर भी, सारे रोग भी ठीक हो गए आपके, और स्वस्थ हो गए, सूखे, वो ज्यादा जीवन अच्छा है। या आप खाते रहे खा खा कर बीमार पड़ जाए, देखो कितना जीवन कैसा बन गया। आपको इतना दुख नहीं जितना मुझे, आपसे ज्यादा दुखी मैं हूँ इस संसार को देख कर, क्योंकि मेरे पास गुरु महाराज ने एक विद्या ज्ञान वो दिया। मैं कहता हूँ जल्दी आपको मिल जाए और आप स्वस्थ हो जाए, लेकिन आप लेने को तैयार नहीं है, लोग बैठने को तैयार नहीं, टाइम नहीं, फटाफट भागम भाग ऐसे लगी हुई है चरखी की तरह, भागम भाग, करना कुछ भी नहीं और कहीं जाना नहीं, कुछ नहीं करना, बस भागे जाओ यहाँ से, घर घर से, फिर उधर घुट से उधर, ऐसे भागे जाओ। इसलिए ध्यान से बैठिएगा, जहाँ आप धन कमाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, वहां आप अपना स्वस्थ करोड़ों अरबों का कमाने के लिए थोड़ा समय दीजिए, शांति से बैठिए, ठीक है? इन चीजों को खाना बंद कर दें, सवेरे वो काढ़ा पीजिएगा, उसके बाद जब आपको भूख लगे, जैसे अभी आपका शरीर है, एक दिन दो दिन आप उपवास कर लें तो ज्यादा अच्छा, ठीक है? पानी पे उपवास कर लीजिए, पेठे का जूस पे उपवास कर लीजिए, बॉयल करके सब्जियों का पानी पी लीजिएगा, ठीक है? नारियल पानी पी लीजिएगा, इन चीजों पर अगर आप एक दो दिन उपवास कर लेंगे तो आपका काफी हद तक, आपको दो तीन दिन में आराम आ जाएगा, हल्कापन आ जाएगा एक दो दिन, ठीक है? अगर भूख लगती है थोड़ी बहुत तो आपको मैंने बता दिया, सब्जियों का उबाल के पानी पी लो, नारियल पानी पी लो, पेठे का रस पी लो, इन चीजों का कर लो। अगर कोई ज्यादा भूख लगे थोड़ा बहुत फल खा लेना, या सलाह गाजर, चुकंदर, आमले का रस पी लो, ये चीजें ले लेना।
उसके बाद में दो तीन दिन बाद उपवास जो आएगा तो जरूर तो अनुसार खाना जितनी भूख लगे, और पेट रोज जरूर साफ होना चाहिए। पेट साफ करने के लिए बथुए का रस पी लेंगे तो आपको नीमा नहीं लेना पड़ेगा, ऐसे ही साफ हो जाएगा, चिपकी हुई गंदगी साफ हो जाएगी अंदर, तो वो ले लीजिएगा भर के पेट। रोज पेट साफ हो जाए, दो बार तीन बार चार बार हो जाए तो अच्छी बात है, सारा अंदर से चिपका हुआ गंद निकल जाएगा, पेट साफ होते ही आपको काफी आराम आ जाएगा। ठीक है गुरु जी, घुटनों में